वेलकम गाइस आईटी हेल्पर वीडियो में J7 प्राइम की मैं आपको इसके कैमरे के जो है वो बताऊंगा, इसकी कैमरे की क्वालिटी कैसी है और इसकी रैम कॉन्फ़िगरेशन मैं सब आपको टोटली बता दूंगा। ठीक है, पहले हम इसके कैमरे को चेक कर लेते हैं। ये इसका कैमरा है, देख रहे हैं क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है। अंधेरे में भी इतनी लाइटिंग नहीं है यहाँ पे, फिर भी काफ़ी अच्छी क्लियरिटी आ रही है इस फ़ोन की। अब इसके फ्रंट का चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रंट में भी काफ़ी अच्छी व्यू आ रही है इसके अंदर। अगर आप लेना चाहते हैं तो J7 प्राइम ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। और इसकी खासियत एक और है, अगर ये फ़ोन आपका चोरी हो जाता है या मिसप्लेस हो जाता है, तब जब आप इसमें पैटर्न लॉक लगाते हो तब इस पैटर्न लॉक में फॉर्मेट करने के बाद भी आपको डबल पैटर्न लॉक मारेगा। जब आप इसे हार्ड रीसेट मार दोगे, हार्ड रीसेट मारने के बाद भी एक जीमेल अकाउंट मांगेगा, फिर उसके बाद पैटर्न लॉक भी मांगेगा। तो इसमें एक सिक्योरिटी एक्स्ट्रा इसके अंदर ये चीज़ मिल जाती है। आपने तो दे रखा है इसमें काफ़ी सारे फीचर भी पहले से ऐड हैं। 4G फ़ोन है ये। इसके हम मेमोरी चेक कर लेते हैं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस टाइम क्या दे रही है। हम सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद हम एडवांस में जाना है। एडवांस फीचर, ये एडवांस मेंटेनेंस, तो यहाँ पे आपको जो है इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दिखा देगा। ये 99 GB अभी एक्सेलेंट वर्क कर रहा है। अब हम इसके डिवाइस में जाते हैं, फिर स्टोरेज चेक करते हैं। 16 GB आपको इसके अंदर इंटरनल मिल जाती है, जो कि आपके गेम के लिए स्टोरेज बहुत ही बढ़िया है। आप इसमें इजीली गेम खेल सकते हैं, कोई हैंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंटरनल स्टोरेज 16 GB का है और ये 256 GB तक सपोर्ट है ये आपका। अब इसको बैक करते हैं, इसकी रैम चेक कर लेते हैं। मेमोरी, इसकी जो मेमोरी है वो 3 GB तक है और आपको अभी जो यूज़ हो रही है बिना किस किए हुए, अभी ओपन किया है इस फ़ोन को तो अभी 1.6 GB यूज़ हो रही है रैम, जो ऐप इसके अंदर डले हुए हैं उसकी वजह से। बाकी ओवरऑल इसके लुकिंग बहुत ही क्लासिक है। आपको यहाँ पे राइट साइड पे जो है पावर का बटन दिया है, जो नॉर्मली आता है सबके साथ, और वॉल्यूम का। आप सिम लगा सकते हैं इसके अंदर, डुअल सिम लगा सकते हैं और एक एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, आप इजीली इसके अंदर सिम निकाल के अपनी लगा सकते हैं मेमोरी कार्ड प्लस। तो अब इस कैमरा तो मैंने आपको दिखा ही दिया है, एंड्रॉयड भी काफ़ी स्मूथ चलता है इसका, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूवर्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, बेसिकली जो होता है वो कैमरा ही चेक करने के लिए होता है कि कैमरे की क्वालिटी कैसी होती है। 90% सैमसंग की क्वालिटी तो बहुत ही बढ़िया होती है, सैमसंग और नोकिया, जो नोकिया तो अभी बहुत कम रेयर है जो अभी मार्केट में आ रहा है। बाकी सैमसंग तो अब काफ़ी प्राइस कम कर लिया है इन्होंने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूवर्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ ITHelper के चैनल को सब्सक्राइब कर देना।